इतनी सी बात में सेट। चलो गाइस मसाला फसाला सब फेवरेट चिकन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी के इस खूबसूरत से शहर से। हाँ मतलब खूबसूरत तो है ही यार, हल्द्वानी है कह सकते हैं, मतलब इतना वो नहीं है ना, मतलब होगा दिल्ली और कोई शहर भी खूबसूरत, पर यू नो हल्द्वानी इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो मेरा शहर है और आई लव हल्द्वानी। एनीवेज हल्द्वानी के बारे में कभी और बात करेंगे। तो आज मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ कि एक्चुअल में आज का सीन क्या है। गाइज आज का सीन जो है, हम जा रहे हैं नैनीताल, तो मतलब नैनीताल का ये पहला व्लॉग है। तो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, और व्लॉग में क्या हो रहा है और कैसा क्या हो रहा है वो देखने के लिए बने रहिए व्लॉग में, और स्किप मत करना ठीक है। और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ मत भूला करो। अगर तुम देख लेते हो तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तुम्हारा भी कुछ नहीं जाता, और नहीं करते हो तो भी ठीक है। अरे कहने की बात यह है कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आती तो एक डिसलाइक ही कर दिया करो, पर पहले। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? बस बढ़िया। और आप सुनाओ? बस बढ़िया। कैसा रहा सफर? अच्छा रहा, मतलब बढ़िया है। तो सीन कुछ ऐसा है गाइज, आज हम नैनीताल में बैठे हुए हैं। तो भाई कह रही मेरे को ले ही मत आज, पता नहीं क्यों इसको क्या हो गया है। और एक बात और बतानी मेरे को, मेरे से कहती तू ना 6 बजे वहां से निकल जा रहा, और अपना कोई कहेगा 10 बज रहा है, 10 बज चुका है और ये अभी तक ऐसे घूम रही है, मैं क्या बताऊं, क्या ही कह सकते हैं। फाइनली किसी के दर्शन हुए। आ गई हम। कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया ही हैं, आप बताइए। बस आपका वेट है। और एक्चुअल में ऐसा था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गीले हो रहे थे और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो आंटी मेरे बाल ड्रायर कर रही थी जिससे मेरा थोड़ा सर दर्द कम हो जाता शायद। और मुझे इतना सही लग रहा था ना, क्योंकि मेरे सर में वैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और गर्म गर्म हवा जब आ रही थी। ओ गॉड, रहा अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा। फिलहाल अभी हम रेडी होने वाले मिलकर। पूजा जी 2 दिन लेट है और ये पूरे व्लॉग में मैं बोलते रहूंगी। कोई बात नहीं, आज तो आई है ना पूजा। कोई नहीं, आज फिर आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ से हमारा फेस अच्छा। बड़ा प्रीटी प्रीटी आ रहा है वो। तो बहुत सही लग रही है। लिपस्टिक लगे इसलिए मुझे आप सभी तो आज तो ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि पांडा और कुंजा जिस दिन होते हैं बहुत अच्छा जाता है। इधर को खड़े हो, देख ये वाइट, ये वाइट एंड ब्लैक, और ये ब्लैक देख कितना सही लग रहा है। अभी कुंजा जी हो रही हैं रेडी और पांडा इसको रेडी कर रही है। आज का सीन कुछ ऐसा है, कोई सीन नहीं है फिलहाल तो अभी। हाँ क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा है। अच्छा तू आ गई है, वरना तो फटाफट तेरे को बताती हूं मैं। ये दोनों ना आज मेरे को यही बोल रहे हैं, जैसे ही मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ 2 दिन लेट है ये। अब मतलब 2 दिन, मतलब 2 दिन पहले आ गए थे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, कर लूँ तू सबसे पहले करती है हमेशा। जिसको फोटो वोटो लेनी है वो बाद में ले लेना, चलाने जा रही डाक में चलाना। मम्मी यार इतना नहीं पूछा मैंने। आंटी बताओ ना कुछ क्या करेंगे हम वहाँ? घूमना, एंजॉय करना और देखना कि क्या क्या नई नई जगह है। और आंटी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा।
अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और गलत बात है मेरे को छोड़ के जा रहे हो तुम लोग। बाय आंटी। बहुत लिटरली ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसी करते, पता नहीं मैं बेचारी को पीछे क्यों छोड़ देते, समझ में नहीं आता क्या कर सकते हैं अभी। तो अब थोड़ा इंट्रो दीजिए, थोड़ा सा हम कहाँ जाने, भीमताल जाने वाले हैं बस। अच्छा, बारिश के चक्कर से मौसम थोड़ा ऐसा वैसा ही हो रहा है आज। ठीक है, सफर की शुरुआत हो चुकी है। कैसे जैसा लग रहा है? हेलो, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, कुछ ज्यादा ही। बाय। ठीक है, उधर कंफर्टेबल है? कौन कंफर्टेबल है? मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ। कुंजो तेरी शकल नहीं दिख रही। टाइम हो चुका है अभी, क्या हो रहा है टाइम? कोई टाइम देख के बताओ जरा। हाँ, 12 बज चुका है। और हम कितने बजे निकलने वाले थे? 10 बजे निकलने वाले थे। देखो हम कितने हैवी ड्राइवर हो रहे हैं, कोई देख लो। हैवी ड्राइवर हो रहे हैं। कोई नहीं, हम नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं। हाँ, ये हो रहे, ये लोग हो रहे, ये लोग बड़े लोग। बड़े लोग ऐसे होते हैं। और ये है नैनीताल का ट्रैफिक जो हमें 12 से 1 भी बजा सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। अब सीन कुछ ऐसा है कि मुझे पीछे कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ आगे। जस्ट 2 सेकंड के बाद ये सीट मेरी होने वाली है। How are you feeling, पूजा? Awesome, बहुत सही। अच्छा लग रहा है? जो मिस कर रही वो आज पूरा हो चुका है। ओके, हाउ इज द व्यू पूजा? बहुत सही लग रहा है। ये क्या है पूजा? ये गोटिया गांव है? ये गोटिया गांव है और ये हाल फिलहाल में ही बना हुआ है। अभी अभी हमें जो यहाँ के रहने वाले उन्होंने बताया। और ये काफी प्रिटी है। और आपके जस्ट आप जितना प्रिटी लग रहा हो गांव उतनी उतना प्रिटी है। क्यों? और वो जो बीच वाली रोड लग रही है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, है ना? तो आइएगा आप कब, सब भी यहाँ पर एंजॉय करेंगे। मैं कुछ कह रही थी। हाँ, ये हमें ये न कुछ ताल है और हम यहाँ वॉचिंग कर रहे हैं। इसको इस लड़की को नौकुचिया ताल में सार्क चाहिए, पर तो पॉसिबल नहीं है। आप जो कह रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, वो चीज करने में हमें ज्यादा मजा आ रहा है। ये बड़ा जोरदार था। ये सिखाने वाले हैं। ये यार
ये ट्रेनी मास्टर है और ये सीख रहे हैं और ये इनकी वीडियो बना रहे हैं। कहाँ पे फाइनली अब पांडा की बारी आ चुकी है। ये तो मेरे फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है। ये मास्टर साहब सिखा रहे हैं अपनी स्टूडेंट को। पांडा ये लोग थोड़ा ढकने की कोशिश करें कि बारिश से बच जाएं, पर इन्हें पता नहीं है ये भीग भी सकता है ऐसे भी अगर तेज हो गई तो। नहीं, पार्शियली हम लोग बच जाएंगे। अच्छा, बच सकते हैं इससे। बच सकते हैं। सब उसको ऐसे लगा इनका मानना है कि हम बच सकते हैं, सकते हैं। भरोसा नहीं है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी एक कमरा है, बारिश हो रहा है और हम बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है, करेक्शन, हो रहा है नहीं, हो रही है। बारिश हो रही है। चलो एक शायरी, ठीक है। मैं ऐसा क्या इतिहास रचाऊंगा, मेरी बाबू भूखी रही मैं तो ताना ताऊंगा। बाबा बाबा। फिर तो इतनी अच्छी नाव है यहाँ पे, लाओ। वो कपल वाली भी तो दिखी थी मैंने उधर। लाओ आराम से उसको लेके आओ, लगेगा बंदा। आप इसको छोड़ देना ना, मतलब उसको छोड़ देना। उसके बाद एक बीच में केक रखना, ठीक है। थोड़ा फील आएगा, थोड़ा सा फील आएगा। ऐसे कहोगे तो हम लोग इधर लाइट वाइट लगा देंगे। हाँ भैया, भैया फैमिली को भी लाओगे ना ट्रैक पे, बता देना, हम भी महंगा लगाएंगे। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। कहाँ जा रहे हैं अब हम? वी आर गोइंग वेयर वी आर गोइंग शील टेल। बताइए हमारे, ये हमारे जो गाइड है वो है, ये हमें बताने वाले हैं। ये दोनों हैं स्पेशल। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज आई डोंट नो, वी विल आस्क आवर ड्राइवर देन ही विल टेल अस। ओके चलो, ये भी सही है। यहाँ का हमारे मेन गाइड है। यहाँ का ट्रिप कैसा रहा? दिस वाज वेरी गुड, आई गिव इट 10 आउट ऑफ 9। ओके 9। वन किस लिए? क्योंकि भीग गया पूरा। यस, कह सकते हैं ऐसा। तो अब हमें हमारा नेक्स्ट हनुमान टेम्पल के बाद भीमताल के बाद सात साल। तो कुछ ऐसा सीन है, पहले हनुमान टेम्पल फिर भीमताल फिर सात ताल। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू हनुमान टेम्पल। चलते हैं। चलो। आ रहे हैं आप? आ रहे हैं हम। तुम हमें छोड़ के जाने की सोच रहे हो? नहीं, आप आ जाइए, आप आगे बैठेंगे ना हमारी। अच्छा, श्योर। चलो आ जाओ। हाउ वाज द जोश? वेरी हाई। हाय, ऑसम वाला ना। आ जाओ जल्दी। छोटी छोटी वाली प्यास है ना, जल्दी। हाँ, आई एम वेटिंग। हम समझ पा रहे हैं आपको। ओए, मेरे को भी बताना क्या बोल रहे हैं ये लोग। मेरे फोन में बैटरी नहीं है। यही था। कैसे? पूजा का मास्क था। ये बेइज्जती है और कुछ नहीं है। शॉप में डाका डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। इन्हें डाका डालने आई हैं आप यहाँ पे, मतलब ये आपकी कंप्लेन करके आ चुकी है। ये आपकी कंप्लेन करके आ चुकी है। ये डाका डालने आए यहाँ पे। हम सब जा रहे हैं यहाँ और ये मैडम ये डाका डाल के जा रही है उधर, जहाँ जा रही होगी। पढ़ना वो तो करने क्या जा रही है। तो ये है हनुमान धाम जो काफी प्रिटी है। अगर आप नौकुचियाताल आएंगे तो यहाँ जरूर आइएगा, बहुत अच्छा सा है ये। ये बड़ा प्यारा सा व्यू। यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है। प्लीज लाइट ऑफ कर दो। ये हो चुका। अरे हम चकरा जाएंगे यहाँ पे। एंड देयर इज अ वेरी बंद है कुछ भी नहीं है। ओके,
सर बचा के चलना लंबे लोग That's it, guys. मतलब खत्म स्टक ओवर हियर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें वापस जाना पड़ रहा है मसाला पसाला सब ओके अब हमने कर लिए हैं यहाँ के दर्शन तो अब हम जा रहे हैं अब हम कहीं और जाएंगे तो बैठते हैं मौसम हो रहा है कुछ ऐसा कि बारिश आने वाला हो रहा है अब हम उतर तो चुके हैं पर यहाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है पांडा तो गाड़ी में बैठने वाली थी ना बता ना क्या हुआ इन्होंने मुझे जबरदस्ती ले आया इसका मूड बिल्कुल नहीं था उतरने का गाड़ी से मतलब ये चाह रही थी कि मैं बैठे ये देखो हमारे मास्टर जी को देखो हाँ इनको देख दो कोई ये मतलब अपने छाता में घूम रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि लो जैसे ये लोग सब जा रहे हैं तो यहाँ पे पहुँच लेते हैं बारिश होगी नहीं सबसे ज्यादा भीगना का मृदुल को है जो छाता लेकर प्रॉपर यू नो छाता लेकर भी भीग गया चलना चाहते हैं ये देखिए व्यू कितना ही प्यारा है कितना ही सेक्सी हो रहा है व्यू बारिश के मजे लेते हुए लोग हमारी चाय आ गई है कुछ चाय चेस मेरी वाली चाय भी मुझे मिल चुकी है चेस फिलहाल ये जो खाली बर्तन दिख रहे हैं ये हम सबके हैं पर ये अभी भी हमेशा की तरह लगी हुई है अपने काम में लगी हुई है हाँ मतलब इसमें प्लीज वन मोर वंस मोर वंस मोर ये सबसे डरावना है उतरने की नहीं सोच रही थी पर अब आप उतर चुकी हैं पर मजा आया मजा आया चाय पी है ना जो होता है अच्छे में होता है तो मजा आ गया ये लिया 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 मतलब अच्छा ये लिया को मिस कर रही है कुछ ज्यादा ही मौत हाँ पीछे पीछे दर्द हो रहा अब हम बैठ चुके हैं और अब बारी है हमारी भवाली जाने की और सबसे पहले हम जाएंगे भवाली कैसे लग रहे हैं अभी तो अच्छा लग रहा है इसके बाहर निकल के बहुत अच्छा लगेगा चपले
सफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, 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 ओ। पांडा मेरा ये बात तो रही है पर मुझे लगता है ये वापस से खुल जाएगा लेट्स सी देखते हैं खुलता है कि नहीं पता नहीं कितनी गांठें बात दी है इसने लगता है खुल जाएगा जी नहीं देखते हैं फिर तुम दोनों जाने की कहाँ सोच रहे हो बस कहाँ जाने की सोच रहे हो कहीं खोपचे में कहाँ जाने की सोच रही है कहीं खोपचे में खोपचे में कौन देवी को मार सकूं और मैं सांस का पर चढ़ सकूं एकदम राइट और मैं मजे ले सकूं दिनों से वेट कर रही थी फिर 3-4 महीनों के बाद मिले आज ये मौका मिला है क्या प्रिटी सीन है कुछ ज्यादा ही प्रिटी प्रिटी सा है क्या पीना चाहेंगे आप ओरियो शेक है मैंगो मैंगो शेक देखो ना यहाँ पे वाटर है क्या है क्या ये पूरा लोशन चाहिए था मुझे मुझे लोशन चाहिए था कौन सा वाला नाम बताओ जॉनसन बेबी ये वाला जॉनसन बेबी जॉनसन बेबी है जॉनसन बेबी ऑर्डर ये 20 रुपए मार्केट 20 रुपए की नहीं है वो नायका क्या अमाउंट है तो आज यहाँ पे मार्केट खुली हुई है पर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आइएगा प्लीज सेल लगी लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो ये व्हाइट टोन पाउडर ये मेरा नहीं ये कोमल का ही है बिकॉज़ आई डोंट यूज पाउडर सॉरी कर डू लाइक दिस ऐसे रखे दें अरे कपड़े इसने खराब कर दिए यस तो कौन कौन एक पूजा कम ऑन नहीं 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 हमको नीट बनाते हो पहले रुको चार नहीं रहा तुम लोग गया था एक बार मिनट मारे दो मसाला फसाला सब चिकन हम लोगों ने बहुत चिल विल कर लिया यहाँ पे कोमल थैंक यू कोमल कोमल कम वेलकम वेलकम और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस स्टेइंग विद अस लाइक द वीडियो कमेंट एंड शेयर प्लीज सब्सक्राइब इट थैंक यू बोलो भैया को थैंक यू भैया अब हम घर जा रहे हैं थोड़ी सी लाइट नहीं दिख रही है जान कैसा रहा आज बताना बहुत अच्छा रहा हम लोग जा रहे हैं घर पहले ये आंटी हमें हमेशा दिख जाती है आंटी बेटा इंतजार में रहते फोन इनका है ही ऐसा तो मेरी फोन पे वो मत करना और एक बात मैं बताना भूल गई आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सब मेरे सब्सक्राइबर हैं एक दो नहीं है इनको मैं अभी बना देती हूँ ब्लॉग में इसने मेरे को लिया नहीं पूरे ब्लॉग में यार और जब मैं ब्लॉग में बैठी हूँ अभी डाल दो डाल दो बजट के हिसाब से डाल रहे हैं इससे हजम होता है मीठा
कैसा हो रहा है? टेस्टी है। मैं तो कस्टर्ड बना रही थी पहले। भाई भाई। हमने खा तो लिया है जबकि ये अभी तक कितनी रोटियां खा चुकी है? 8 रोटी खाई है, 3 प्लेट चावल। हाँ, 8 रोटी खाई है और 3 प्लेट चावल। 3 प्लेट चावल उसके बाद ये अभी भी खाने में। इसको देख दो कोई, सबने खा लिया है यहाँ पे बैठे हुए। फाइनली मैं अब जा रही हूँ, जल्दी मिलते हैं, अब कॉलेज में मिलेंगे धुन में। ओके बाय। मैं कुछ नहीं खा रही। बाय, कब मिलेंगे हम? मैं आ रही हूँ हल्द्वानी। ठीक है, बाय। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ।